everyone. Myself, Kusum Gupta, Assistant Professor in Department of Psychology from Government PG College, Ramnagar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम ए फोर्थ सेमेस्टर से पेपर टू काउंसलिंग साइकोलॉजी यूनिट वन काउंसलिंग. सो आज का हमारा मेन टॉपिक है काउंसलिंग यानी परामर्श. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सो काउंसलिंग बेसिकली क्या है? विलियमसन के अकॉर्डिंग इट इज अ मीन्स ऑफ हेल्पिंग पीपल टू लर्न हाउ टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स. और कई बार क्या होता है, हम काउंसलिंग को कंफ्यूज करते हैं एक वर्ड एडवाइस के साथ. एडवाइस मीन्स सलाह देना, जबकि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं. सो काउंसलिंग एक गोल बेस्ड प्रोसेस है जो कि दो लोगों के बीच में इट टेक्स प्लेस, दैट इज अ काउंसलर एंड अ क्लाइंट. क्लाइंट को हम लोग काउंसिली भी बोलते हैं. सो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं क्लाइंट की डिफिकल्टीज को, और उन डिफिकल्टीज में आ जाता है उसकी इमोशनल और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो कि वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, इसीलिए उसको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है. काउंसलिंग का जो मेन एम है वो है कि किसी भी इंडिविजुअल को या अपने क्लाइंट को असिस्ट करना टूवर्ड सेल्फ नॉलेज, दैट इज उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद के कैपेबिलिटीज के लिए, कैरेक्टर के लिए, फीलिंग के लिए और मोटिवेशन के लिए. देन सेल्फ रियलाइजेशन यानी वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके और इवैल्यूएट कर पाए. नेक्स्ट इज सेल्फ डेवलपमेंट यानी टेकिंग स्टेप्स टू बेटर योरसेल्फ. मेन पर्पस जो है काउंसलिंग का वो है एडवाइस देना, जहां पर ए का मतलब है असिस्टेंस, डी इज डेवलपमेंट, V is vast information, I stands for inspiration, S is solution and E means encouragement. So counseling process में basically 6 stages involve होती हैं, जहाँ पे stage 1 है relationship building, stage 2 है assessment and diagnosis, stage 3 है formulation of counseling goals, stage 4 है intervention and problem solving, stage 5 is termination and follow-up. And stage 6 जो है वो है research and evaluation. So let's start with the first stage. Stage 1 relationship building. Relationship building जो है एक initial disclosure है and this is the first step. And basically it involves relationship building between counselor and the client. So counselor और client के बीच में एक relationship develop किया जाता है. और इस स्टेज में एंगेज किया जाता है क्लाइंट को कि वे अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए, वो प्रॉब्लम्स जो उसे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं. और ये रिलेशनशिप टोटली बिल्ड होता है एम्पथी पे, जेन्युइननेस पे और वार्मथ पे, दैट टू ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर. सो इन दिस स्टेज वन शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, listen attentively, always address the person by his or her name, ensure some physical comfort and observe non-verbal communication of the client. Now, next stage comes assessment and diagnosis stage. Assessment and diagnosis stage mein kya aa jata hai? This is a systematic way in which we obtain information about the client's problem. So, assessment mein hum log जो भी जानकारी है वो एकत्र करते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को लेके, उसके जो भी कंसर्न है, उसकी स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं या जो भी जरूरतें हैं. और असेसमेंट स्टेज जो है वो एक फाउंडेशन स्टेज है हमारे गोल को सेट करने के लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कर पाए. और इस स्टेज में हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें क्लाइंट की सिचुएशन को लेके और एक पर्सपेक्टिव बना सके. सो इस स्टेज में, इस स्टेप में काउंसलर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है क्लाइंट की लाइफ को लेकर, उसकी सिचुएशन को लेके, और मेन क्या रीजन है जिस वजह से क्लाइंट को काउंसलिंग की जरूरत है. नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ काउंसलिंग गोल्स. सो यहां पर क्या होता है, हम गोल सेटिंग करते हैं और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर क्या है, हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है और जो भी हमारा आउटकम होगा जो हम इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं वो डिसाइड किया जाता है. और
यहां पर क्या है, डिजायर्ड आउटकम्स को डिफाइन किया जाता है एंड जो भी गोल फंक्शन होते हैं दे गिव डायरेक्शन टू द काउंसलिंग प्रोसेस. वो जो हमारे गोल होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट अकम्प्लिश इन दिस प्रोसेस. देन क्लाइंट मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. देन हम क्लाइंट की प्रोग्रेस को भी इसमें मेजर करते हैं. और अगर हमारे गोल्स वेल आइडेंटिफाइड होंगे तो एक प्रॉपर रोड मैप हम तैयार कर पाएंगे और उसको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट कर पाएंगे. और गोल्स चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे थेरेपी प्रोग्रेस करती रहती है. काउंसलिंग गोल्स की 5 कैटेगरीज बताई गई हैं नेस्टल के अकॉर्डिंग 2003 में. फर्स्ट इज टू चेंज एन अनवांटेड और अनवेलकम बिहेवियर. सेकेंड इज टू बेटर कोप. थर्ड इज टू मेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस. फोर्थ रिलेशनशिप को एनहांस करना, उसे प्रॉपर करना, अच्छा बनाना. एंड फिफ्थ, क्लाइंट की जो जर्नी है उस जर्नी में उसे हेल्प करना ताकि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने एम को अचीव कर पाए. नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 4, दैट इज इंटरवेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इस स्टेप में क्या होता है, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं हमारे काउंसलिंग इंटरवेंशन की, जिसमें आ जाता है हमारे अफेक्टिव मॉडल्स विच इंक्लूड्स पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, बॉडी अवेयरनेस थेरेपीज, साइकोडायनेमिक थेरेपीज, एक्सपीरियंशियल थेरेपीज. देन सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारी इसमें कोग्निटिव, जिसमें आ जाता है RET यानी रैशनल इमोटिव थेरेपी, इंफॉर्मेशन गिविंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. एंड फोर्थ इज ट्रांजेक्शनल एनालिसिस. थर्ड इंटरवेंशन काउंसलिंग आ जाता है हमारा बिहेवियरल, जिसमें आता है बिहेवियर थेरेपी, रियलिटी थेरेपी एंड CBT यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. फोर्थ कैटेगरी है हमारी काउंसलिंग इंटरवेंशन की इंटरपर्सनल और सिस्टमिक, विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल थेरेपी, स्ट्रैटेजिक थेरेपी एंड इंटरजनरेशनल सिस्टम. सो इस स्टेप में काउंसलर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा तरीके का इंटरवेंशन यूज करना है अपने क्लाइंट के साथ. एंड द काउंसलर चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस ताकि वो अपने क्लाइंट की हेल्प कर पाए उसकी प्रॉब्लम के साथ. सो काफी बार क्या होता है, क्लाइंट बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने डर से, अपने फियर के साथ, कि वो कनेक्शन नहीं देख पाते हैं अपने व्यवहार में और दूसरों को जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं उसमें. सो बेसिकली कन्फ्रंटेशन क्या है, इन्वॉल्व करता है एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं क्लाइंट की थिंकिंग में, उसकी फीलिंग में और उसके व्यवहार में. और काउंसलर क्लाइंट को बताता है कि किस तरह से उसके जो थॉट्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं उसके एक्शन और व्यवहार को, और किस तरह से वो अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है. और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी हैं कहीं ना कहीं दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड बाय नॉट टॉकिंग टू देम. और स्टैब्लिशमेंट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का और एक रेपो बहुत असेंशियल है जब भी हम किसी इशू के ऊपर कमेंट करते हैं. और ये एक बहुत ही हाईली इंट्रूसिव स्किल है क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और स्पेशली जब आप एडवाइस कर रहे हो कन्फ्रंटेशन एरिया पे, सो दैट मस्ट बी, दैट एडवाइस ऑन कन्फ्रंटेशन दैट मस्ट बी डिलीवर्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ वार्मथ, केयर एंड कंसर्न. नेक्स्ट स्टेज इज टर्मिनेशन एंड फॉलो अप. टर्मिनेशन बेसिकली यहां पर क्या है, दिस इज द 5th स्टेप और इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन कि इस काउंसलिंग रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाए. ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ज्यादातर काउंसलर के लिए और इनफैक्ट क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि यूजुअली जब हमारे गोल हम अचीव कर लेते हैं तो एक इवैल्यूएशन होता है, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द क्लाइंट, जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमने अपने गोल को अचीव कर लिया है तो अब हमारा टर्मिनेशन का स्टेज आ गया है. सो इस स्टेज में क्या है, हम कोलैबोरेट करते हैं क्लाइंट के साथ, आइडेंटिफाई करते हैं एक डेट एडवांस में एंड मैनेज करते हैं. और उस डेट पे हम लोग
पूरा जो प्रोग्रेस है क्लाइंट का उसको रिव्यू करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ एम्पावरिंग क्लाइंट. एंड काउंसलर ऑलवेज माइंडफुल ऑफ अवॉइडिंग फॉस्टरिंग डिपेंडेंसी एंड इज अवेयर ऑफ हिज ओन नीड्स. सो यहाँ पर क्या है, टर्मिनेशन इज कंसिडर्ड नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बट ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड वेन इट सीम्स काउंसलिंग इज नॉट बींग हेल्पफुल. कई बार जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तब भी हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं, दैट इज टर्मिनेशन. और कई बार काउंसलिंग उतना हेल्पफुल नहीं होती है तो भी हमें उस स्टेज पर आकर टर्मिनेट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर थेरेपेटिक रिलेशनशिप को जो एग्जिस्ट करती है एक काउंसलर और एक क्लाइंट के बीच में या काउंसिली के बीच में. सो नेक्स्ट स्टेजेस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन. इस स्टेप में हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होता है और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी हाइपोथेसिस में जो हमने जनरेट की है, हमारी स्ट्रैटेजीज में, दैट टू इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज या जो भी थेरेपीज हमने यूज की हैं उसमें. और बेसिकली इस स्टेप में आके हम डिटरमाइन कर पाते हैं पूरी तरह से कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. सो दिस स्टेज इज अ प्लान फॉर इवैल्यूएशन स्टेज. That's all for today. Thank you, everyone.